एवरीवन, मैं अनिरुद्ध शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑफ स्वस्तिका एंड स्मार्ट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा COVID-19 या किसी और भी बीमारी का इंश्योरेंस क्लेम हम किस तरीके से कर सकते हैं। पर मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे दिए हुए बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोग प्रायर रिसीव कर सकें। COVID-19 के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपके पास जो मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस है वो इस बीमारी को कवर करता है, या आप इंश्योरेंस कंपनी या आपके एजेंट या फिर पॉलिसी में दी गई डिटेल से पता कर सकते हैं। यदि हाँ, तो COVID-19 के ट्रीटमेंट का क्लेम आप दो तरीके से पा सकते हैं। पहला होता है कैशलेस क्लेम, सेकंड रहता है रीइंबर्समेंट क्लेम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स के थ्रू बताऊंगा कि कैशलेस क्लेम हम किस तरीके से ले सकते हैं। सो चलिए हम लोग देखते हैं कैशलेस क्लेम। यह आपको हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान मिलता है। इसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम को प्रोसेसिंग करने का ऑपरेशन सर्विस देती है, जिसकी डिटेल्स आपकी पॉलिसी में भी होती है, उनकी वेबसाइट पर जाएं। स्टेप नंबर टू, यहां आपको अपनी स्टेट, सिटी, पिन कोड, नेटवर्क हॉस्पिटल सर्च करें। आपके सामने हॉस्पिटल्स की लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में से आप एक हॉस्पिटल को सेलेक्ट करें। स्टेप नंबर थ्री, यदि आप इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 24 घंटे में इंश्योरेंस TPA को इन्फॉर्म करें, और यदि आपका हॉस्पिटलाइजेशन पहले से प्लान है तो 48 घंटे पहले आपको TPA को इसकी सूचना देनी होगी। स्टेप नंबर फोर, हॉस्पिटल जाते समय आप कैशलेस ट्रीटमेंट कार्ड या पॉलिसी नंबर और मेंबर ID जो आपकी पॉलिसी में दिखेगी साथ लेकर जाएं। इनके साथ ही फोटो ID प्रूफ जरूर लेके जाएं। स्टेप नंबर फाइव, हॉस्पिटल में एक इंश्योरेंस डेस्क होता है, वहां पे जाकर आपको यह सारे कार्ड्स दिखाने होते हैं। नाउ स्टेप नंबर सिक्स, हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के TPO को प्री ऑथराइजेशन फॉर्म कैशलेस अप्रूवल के लिए भेजेगा। इन स्टेप नंबर सेवन, TPA टीम इस क्लेम डिटेल्स को चेक करने के बाद पॉलिसी होल्डर और हॉस्पिटल को अप्रूवल या रिजेक्शन का इंफॉर्मेशन देती है। यदि इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन है तो इसमें 2-4 घंटे का समय लगता है। स्टेप नंबर एट, अब यदि आपका क्लेम अप्रूव हो गया है तो आपके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान होने वाले पूरे बिल्स का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को करेगी। स्टेप नंबर नाइन, अब आपके जो भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, इनके बिल्स को क्लेम फॉर्म के साथ लगाकर सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप रीइंबर्समेंट के लिए भेज सकते हैं। इन स्टेप नंबर 10, यदि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो आपको हॉस्पिटल में इलाज के दौरान होने वाले खर्चों का खुद पेमेंट करना होगा और सारे बिल्स इंश्योरेंस कंपनी को रीइंबर्समेंट के लिए भेजने होंगे। सो ये थे कैशलेस क्लेम प्रोसेस। पार्ट टू में मैं आपको रीइंबर्समेंट क्लेम के बारे में बताऊंगा। अधिक जानकारी के लिए आप स्वस्तिका इंश्योरेंस की हेलो पॉलिसी टीम से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 01204400799। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। थैंक यू वेरी मच।